गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज आप सबको काऊ के बारे में बताऊंगी। किसके बारे में? काऊ के बारे में। तो सर चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सब ये बताओ कि काऊ किसको बोलते हैं? काऊ किसको बोलते हैं? यस, काऊ गाय को बोलते हैं। काऊ इज अ पेट एनिमल। आपको पता है गाय एक पालतू जानवर है, यानी कि हम गाय को पाल सकते हैं, घर में उसे रख सकते हैं। घर में यानी कि जहाँ आप रहते हो, सोते हो, वहाँ नहीं, अपने आसपास, जैसे आप सबका घर होता है ना रहने के लिए, काऊ का भी शेल्टर होता है रहने के लिए, तो काऊ को हम घर में रख सकते हैं ना। और चलो ये बताओ कि काऊ कौन से कलर में होता है? काऊ जो है बहुत सारे कलर में होता है। यस, देखो पिक्चर में है ब्लैक, वाइट, ब्राउन। अच्छा अब ये बताओ किसके किसके हाउस में काऊ है? गुड, आपके घर में काऊ है। ओके, तो चलो आज हम लोग कुछ नई बातें काऊ के बारे में जानें। सबसे पहले आप ये बताओ काऊ के सिंग को क्या बोलते हैं? आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये काऊ के दो सिंग हैं। सिंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉर्न्स। क्या बोलते हैं सिंग को? हॉर्न्स। अब ये बताओ काऊ के कितने हॉर्न्स होते हैं? हाउ मैनी हॉर्न्स? यस, काऊ के 2 हॉर्न्स होते हैं। गाय के कितने सिंग होते हैं? 2 होते हैं। पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना, काऊ के कितने होते हैं सिंग? 2। अच्छा अब ये बताओ काऊ जो है, गाय जो हो, क्या खाती है? गाय क्या खाती है? पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? काऊ ईट्स ग्रीन ग्रास एंड फूड। गाय जो है वो हरी घास खाती है, और फूड मीन्स जो आपके घर में बच जाता है, खाना बच जाता है ना, जैसे आपकी चपाती, चावल, दाल, सब्जी, वो आप दे देते हो गाय को, तो वो खाती है। तो गाय क्या खाती है? काऊ ईट्स ग्रीन ग्रास एंड फूड। देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, गाय जो क्या खा रही है? हरी घास खा रही है ना। अच्छा अब ये बताओ काऊ क्या देती है? गेस करो। गुड, काऊ गिव्स अस मिल्क। काऊ क्या देती है? दूध देती है। दूध को क्या बोलते हैं? मिल्क। क्या बोलते हैं? मिल्क। काऊ का जो मिल्क है ना, बहुत फायदेमंद होता है। आप सब मिल्क ड्रिंक करते हो ना? पता है मिल्क ड्रिंक करने से हमारे जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो मजबूत होती हैं। बोन्स किसको बोलते हैं? बोन्स बोलते हैं हड्डियां को। ओके, तो आप सब काऊ के मिल्क ड्रिंक करते हो? गुड, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओगे काऊ के मिल्क पीने से। काऊ के मिल्क से क्या क्या बनता है आपको मालूम है? काऊ के मिल्क से घी, दही, छाछ, मक्खन सब बनते हैं। क्या बनते हैं? अब ये क्या चीज़ का पिक्चर है? दही। ये क्या है? ये है छाछ, जिसे आप लोग मट्ठा भी बोलते हो, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं बटर मिल्क। ये क्या चीज़ से बनता है? दही से। क्या चीज़ से बनता है? दही से। और ये दही कहाँ से आता है? दूध से। और दूध कौन देता है? काऊ। तो छाछ को क्या बोलते हैं? बटर मिल्क, जो काऊ से मिलता है। ये क्या है? कर्ड। क्या है ये? कर्ड। दही भी कहाँ से बनता है? काऊ के मिल्क से। तो दही को क्या बोलते हैं? दही को बोलते हैं कर्ड। घी, जो आप सब खाते हो ना,
दाल में डालकर, कभी चपाती में लगाकर, कभी ब्रेड में लगाकर। घी भी पता है आपको कहाँ से बनता है? घी भी काऊ के मिल्क से बनता है। बताओ तो कितने सारे फायदे हैं। और क्या बनता है? बटर, जो आप मक्खन खाते हो ना बड़े प्यार से, बटर भी काऊ के मिल्क से बनता है। और क्या बनता है? देखो कितनी सारी मिठाइयाँ हैं। मिठाइयाँ भी जो हैं स्वीट्स, वो भी काऊ के मिल्क से बनता है। बनता है ना बहुत टेस्टी टेस्टी, खाते हो आप सब? तो काऊ के मिल्क से क्या बनता है? काऊ के मिल्क से घी बनता है, छाछ बनता है, मक्खन बनता है, बटर बनता है, उसके बाद मिठाइयाँ भी मतलब स्वीट्स भी बनते हैं। अब ये बताओ, काऊ जो है डिफरेंट कलर्स में होते हैं, दिख रहा है स्क्रीन में आपको? बहुत सारे कलर में हैं और साइज़ भी इनका डिफरेंट होता है। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई मोटा होता है। आपके घर में काऊ है? आपके घर में काऊ कौन से कलर की है देखकर मुझे बताना। तो वाइट है या ब्लैक है या ब्राउन है, मुझे देखकर बताओगे। ओके गुड। आपको पता है काऊ को हम सब पूजा भी करते हैं, गोवर्धन पूजा होती है ना, उसमें गाय की पूजा होती है। इसीलिए तो गाय हमारी माता समान है, हम उन्हें माता भी कहते हैं, इसीलिए तो उन्हें पूजा भी जाता है। तो चलो मैं आपको एक गाय वाली कविता भी सुनाती हूँ, सुनकर आपको अच्छा लगेगा। गाय को ऐसे ही माता नहीं कहते, गाय को ऐसे ही माता नहीं कहते, इसके दूध से न जाने कितनों के पेट भरते। चलो एक कविता मैं आपको फिर से सुनाती हूँ गाय के ऊपर। गाय हमें सींचती है, गाय हमें सींचती है अपना अमृत सा दूध देकर, फिर भी हमारा पेट नहीं भरता इसका सब कुछ लेकर। क्या हम बच्चे इतने नादान कि कर नहीं सकते सब कुछ आसान? आज अभी और इसी समय पूछो अपने दिल से, अगर कहते हो माँ उसे तो मानते क्यों नहीं माँ उसे। कैसा लगा आपका ये कविता? आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? और आज जो भी मैंने आपको बताया उसे आप सब क्या याद करोगे, उसे लर्न करोगे। ओके आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखना, घर में बड़ों की बातें सुनना, घर से बाहर नहीं निकलना। ओके टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।